काफी लंबा इंतजार करने के बाद यहां से ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की ओर से यूजी में एडमिशन होने वाले हैं 21 से 24 उसका यहां से सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट जारी कर देगा। सो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट आप डाउनलोड कैसे करेंगे। गूगल के सर्च बार में आने के बाद आपको डायरेक्टली टाइप करना है GOV, उसके बाद exam.com, उसके बाद LNMU, इस तरह से टाइप करेंगे, सर्च कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे ऊपर में आपको जो पेज दिख रहा है इस पर आपको डायरेक्टली क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने नया पेज यहाँ से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको राइट साइड में दिख रहा 3 डॉट्स, तो आप यहाँ पर देखते हैं डायरेक्टली आपको इस पर क्लिक करना। उसके बाद आपको नीचे मिल रहा सिलेक्शन लिस्ट का ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने नया पेज यहां से ओपन हो जाएगा। सो आप यहां पर देखते हैं सेकेंड काउंसलिंग कॉलेज वाइज सिलेक्शन एंड कट ऑफ लिस्ट। सो आप यहां पर देखते हैं डायरेक्टली आपको यहां से नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो आपको सेलेक्ट कॉलेज, जिस भी कॉलेज का नाम आपके रिसीविंग में दिया हुआ जब आप एडमिशन लिए थे ऑनलाइन, उस तरह से रिसीविंग में आपको जिस कॉलेज का नाम देगा सिंपली बारीकी से उस सभी कॉलेज का यहां पर आपको डाउनलोड करना है। तो सिंपली डाउनलोड करने के लिए उस कॉलेज का नाम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने नया पेज आएगा, यहाँ पर देखते हैं यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पर देखते हैं डाउनलोड यूजी ऑनर्स सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पर दिया गया। उसके बाद उसके नीचे आपको कट ऑफ लिस्ट भी दिया गया किस अनुसार ये लिस्ट जारी किया गया। तो डायरेक्टली आपको लिस्ट डाउनलोड करने के लिए सिंपली सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिलहाल इस वेबसाइट पर काफ़ी ट्रैफिक है इसलिए सर्वर इरर आ रहा है। सिंपली मैं यहाँ से बैक करता हूँ, अब आपको दिखाता हूँ कट ऑफ लिस्ट पर क्लिक करके। तो आप यहां पर देखते हैं कट ऑफ लिस्ट डाउनलोड हो चुका है। सो आप यहां पर देखते हैं सेम इसी तरह का प्रोसेस है आपको डाउनलोड करने का सिलेक्शन लिस्ट। इस तरह से सिलेक्शन लिस्ट को आप डाउनलोड कर लेंगे, आपको बार बार ट्राई करना है। उसके बाद आपको उसमें नाम कैसे चेक करना है मैं आपको यहां से बता देता हूँ। उसमें नाम कैसे चेक करना है सिंपली आप यहाँ पर देखते हैं ये प्रोविजनल लिस्ट है, मैं आपको इसमें समझा देता हूँ नाम कैसे चेक करना। तो आप यहाँ पर देखते हैं आपका फॉर्म आईडी यहाँ पर दिया गया है। सो आप यहाँ पर देखते हैं मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ तो आपको यहाँ पर पूरी पूरी क्या समझ में आ जाएगी मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो आप यहाँ पर देखते हैं ये फॉर्म आईडी है जो आपको ऑनलाइन आवेदन किए थे उस वक्त जो रिसीविंग मिला होगा उस रिसीविंग पर आपको ये फॉर्म आईडी दिख जाएगा। सिंपली इस फॉर्म आईडी को यहां पर आपको मिल रहा है सर्च बार का ऑप्शन, डायरेक्टली यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उस फॉर्म आईडी को यहां पर आप टाइप कर लेंगे तो आपके सामने लिस्ट में नाम आ जाएगा इजीली। यहां पर देखते हैं आपका जो भी नाम आएगा वो आप मिला लेंगे। उसके बाद अगर आपका सेकेंड लिस्ट में चयन नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, तो मैं आपको यहाँ से बता दूँ कि सेकेंड लिस्ट में सो आप यहाँ पर देखते हैं दूसरी चयन सूची में लगभग 23,350 छात्रों का चयन हुआ। सो आप यहाँ पर देखते हैं उसके बाद प्रथम सप्ताह के शेष में आप यहां पर देखते हैं जो नामांकन के लिए तीसरा मेगा सूची भी जारी किया जाएगा, इसलिए आपको बिल्कुल नहीं घबराना। सो आप यहां पर देखते हैं कि तीसरा चयन सूची भी जारी किया जाएगा अगर आपका उस लिस्ट में नाम नहीं होता है तो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इंतज़ार तो आप इंतज़ार कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों फिर से मिलते हैं नए दिन नए टॉपिक के साथ।